सो गाइज, एसएससी सीजीएल मेंस का एक सेट चल रहा है, आपका सेट नंबर 10, जो कि हमने दिया है नंबर उसको, 2011 से चल रहा है आपका सेट नंबर ये, हमने इसको सेट नंबर 10 कहा गया है, लेकिन ये सेट नंबर आपका 58 है बुक के हिसाब से। आपका हम लोग पहुंच चुके हैं 46 क्वेश्चन पर, 45 क्वेश्चन तक मैं इसके फर्स्ट पार्ट में करवा चुका था। 46 से 55 तक आपके कॉमन एरर बाय सेंटेंस हैं, इनको चेक कीजिएगा और बताना है कि किस पार्ट में है आपके एरर। कह रहे हैं कि द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ओ ये तो मेरे से गलत ही नहीं बोला गया गाइज, यहाँ पे द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन नहीं, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए था, शुरू में ही दे दी है गलती, जो मेरे से गलत भी नहीं पढ़ा गया, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ही रहेगी एरर। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वेमेंटली रिफ्यूज्ड द एलिगेशन दैट ही हैड टेकन ब्राइब्स। सो गाइज, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। इफ आई वर जुबीन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम बट मे, 47 सेंटेंस, कंडीशन सेंटेंस है, कह रहे कि इफ आई वर जुबीन, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन, नेक्स्ट पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सब कुछ है, यानी कि ये सेंटेंस हुआ आपका नो एरर, इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। ही सेज दैट, गाइस जब सेंटेंस में सेज या विल से हो तो आगे वाला पोर्शन जो है आपका सेंटेंस का चेंज नहीं होगा, कंजक्शन के बाद वाला उस सेंटेंस का फॉर्मेशन आपका वही रहेगा जो है। ही सेज दैट ही रीड्स नॉवल टू पास अवे द टाइम, यहाँ जो गलती है वो फ्रेजल वर्ब को लेकर के है, टू पास अवे जिसका मतलब होता है मर जाना, पास अवे मतलब मर जाना, जबकि समय काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं गाइस किल द टाइम, टू किल द टाइम समय काटना, यस गाइस। तो इसका आंसर आ जाए आपका सीक्रेट, इसके सी पार्ट में रहेगी आपके एरर। ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे अराइविंग देयर ऑन मंडे, सो मुंबई के लिए निकली यहाँ से संडे में और पहुँची वहाँ पे मंडे में, ये कहना चाह रहा है। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे राय में सेंटेंस आपका रहेगा ये नो एरर। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास रूम देन द स्टूडेंट गॉट अप, गाइस नो सूनर का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, आप तो रट गया होगा, डिड या हैड में से कोई एक आएगा, यहाँ फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट पार्ट में आपको देन का इस्तेमाल करना होता है जो कि उसने नहीं किया। सो नो सूनर डिड द टीचर एंटर्ड द क्लास रूम देन, सी पार्ट में यहाँ पे देन होना चाहिए था जो कि नहीं है, देन द स्टूडेंट गॉट अप, इसके सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। 51 सेंटेंस बहुत शानदार गाइस, यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज़ नथिंग एल्स देन प्राइड, तो यहाँ पे आपको लगाना होगा बट, क्योंकि सेंटेंस में कहीं भी पहली बात तो ये कंपैरिजन की भावना नहीं आई है, देन का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब सेंटेंस कंपैरेटिव हो। दूसरी बात, यहाँ पे बात हो रही है छोड़कर के अर्थ में, तो छोड़कर के लिए हम लोग लगाते हैं बट का इस्तेमाल, ये एज ए प्रपोजिशन काम करता है जब इसके बाद वर्ब ना हो, तो इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड, तो घमंड को छोड़कर वहाँ कुछ नहीं था ये कहना चाह रहा है, तो इस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा 51 का सीक्रेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, टू द ऑर्डिनरी मैन इन फैक्ट द पेलिंग ऑफ बिल्स बेल्स इज अ मोनोटोनस जंगल एंड आर नॉइजेंस टॉलरेबली व्हेन मिटिगेटेड बाय रिमोट डिस्टेंस एंड सेंटिमेंटल एसोसिएशन। बहुत बड़ा सेंटेंस है लेकिन बड़े सेंटेंस को देखकर जरा भी ना घबराएं, एरर तो फाइंड करनी ही है ये ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टू द ऑर्डनरी मैन इन फैक्ट, देखिए टू द ऑर्डनरी मैन इन फैक्ट इसको खत्म कर दीजिए बिकॉज सेंटेंस में प्रपोजिशन आ गया है। द पेलिंग ऑफ बेल्स इज अ मोनोटोनस जंगल एंड अ नॉइजेंस टॉलरेबली, गाइस यहाँ पे टॉलरेबली ही आपका रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे उसने ये एक एडवर्ब लिया, क्या लिया उसने उसको एक एडवर्ब, जबकि यहाँ पे आवश्यकता थी एक एडजेक्टिव की, किसकी आवश्यकता थी यहाँ पे गाइस एडजेक्टिव की, तो आप इसे बनाएंगे टॉलरेबल, बस यही आपकी हो गई है एरर सेंटेंस में, यानी के आपका हो गया है सी पार्ट रो। द इंक्रीजिंग मैकेनिजम्स ऑफ लाइफ हैव लेड, गाइस यहाँ पे द इंक्रीजिंग मैकेनिजम्स के हिसाब से वर्ब आएगी, हैव नहीं यहाँ पर हैज़ होना चाहिए था क्योंकि सेंटेंस में पीछे सिंगुलर है मैकेनिजम्स जो कि सिंगुलर रहेगा, तो यहाँ पे हैव की जगह आपको हैज़ का इस्तेमाल करना होगा। यस गाइस आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि इफ़ यू हैव अ वे विद वर्ड्स
अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी यू मे एंजॉय वर्किंग इन द हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। अच्छा सेंटेंस है लेकिन यहाँ छोटी सी गलती उसने करी। इफ़ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, ये ठीक है, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। तो गाइस यहाँ पे जो उसने एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी उसने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे एक नाउन है जबकि एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया गया है। एबिलिटी आपका एक नाउन है, उस नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पे एक एडजेक्टिव की जरूरत थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होना चाहिए था, यानी कि आपको इस नाउन को एडजेक्टिव बनाना होगा। सेंटेंस में यहाँ 54 में हो जाएगी आपके बी पार्ट में एरर। यस गाइस, तो सेंटेंस में आपके बी पार्ट में हो जाएगी एरर, 54 का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। 55 सेंटेंस, देखते हैं क्या कह रहा है। लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ, ये ठीक है, इज अ इंडिकेशन, इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर, नहीं, इंडिकेशन के साथ में हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। यस गाइस, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए था ऑफ, जो कि हो जाएगी आपके बी पार्ट में एरर। 56 से 60 सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह लीजिए, सेंटेंस फिलर कह लीजिए, आपको यहाँ पे फिल करना है सेंटेंस के अंदर ऑप्शंस को देख करके। माय विंडोज लुक डैश द गार्डन, लुक आउट ऑन द गार्डन, तो मेरी विंडो से जो है गार्डन दिखता है या फिर गार्डन से मेरी विंडो दिखती है कह सकते हैं आप, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। आई हैव मेड अ रफ डैश ऑफ द रिपोर्ट ड्राफ्ट 57 में, ड्रॉट ड्राफ्ट या ड्राफ्ट। सो गाइस यहाँ पे ऑप्शंस जो कह रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम चलें तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ड्राफ्ट, तो ये तो पता ही होगा ड्राफ्ट वगैरह। तो उसके बाद अगला ऑप्शन देखें यहाँ पे गाइस क्या कह रहा है, बहुत शानदार ऑप्शन है ये, ड्रॉट हवा का झोंका, ड्राउट सूखा, और ड्राफ्ट यानी कि मसविदा। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। द रिवार्ड वॉज नॉट कॉमेंसुरेट डैज द वर्क डन बाय अस 58 फोर ऑन विद। गाइस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विद करेक्ट, जिसके साथ फिक्स प्रिपरेशन आपकी विधि आया करती है, कॉमेंसुरेट विद यानी कि मेल खाना की चीज़ से। आई डोंट केयर डैज, आई डोंट केयर, गाइस यहाँ पे केयर के साथ आपकी फिक्स्ड प्रिपोजिशन जो है चलती है आपकी अबाउट। आई डोंट केयर अबाउट द एक्सपेंस, आई वांट द पार्टी टू बी अ रियल सक्सेस। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। विनर डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड डज जस्ट वंट, तो गाइस यहाँ पे शुरू में आ गया डज हेल्पिंग वर्क, हेल्पिंग वर्क से पहले कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए, सिंपल सबको पता है, वो है आपका सिर्फ डी। इसका आंसर आपको हो जाएगा नेदर। यस, इसके बाद आपको दी गई है वोकैबुलरी 61 से 65 तक और 66 से 70 तक, जहाँ पे मैं आपको वर्ड के मीनिंग बताता चला जाऊँगा, आपको ऑप्शंस के भी मीनिंग बताऊँगा, आपको अपने मन ही मन में इनके जवाब देने और चेक करना है कि कितने आंसर आपके सही गए। यस गाइस, चलिए चलते हैं पहले वर्ड पे, ससेप्टिकल। ससेप्टिबल पहला वर्ड है आपका। सो गाइस पेन कॉपी अपने साथ लेके बैठे हैं, अगर नहीं लेके बैठे हैं तो आप लोग, इसका मतलब होता है किसी रोग से आसानी से ग्रसित होने वाला, किसी रोग से आसानी से ग्रसित होने वाला। क्योंकि जब आप किसी बीमारी की तरफ आकर्षित होते हैं गाइस, तो बीमारी आपकी तरफ आकर्षित होती है। पहला वर्ड है इनक्रेडिबल, जिसका मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से अच्छा। दूसरा है इम्यून, किसी प्रभाव से सुरक्षित। उससे अगला वर्ड है आपका प्रिडिक्टेबल, भविष्यवाणी के लिए अनप्रिडिक्टेबल। सो गाइस आपको बताना है अपोजिट, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। अगला वर्ड है आपका फ्रूगल, फ्रूगल मतलब कंजूस, माइजरली कंजूस, ग्लटस मतलब पेटू, प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर, एक्स्ट्रा वजन मतलब बहुत अधिक खर्चीला। इसका आंसर है आपका डी। अगला वर्ड है आपका सीसेशन, रोकना किसी चीज़ को, कमेंसमेंट शुरू करना, पहले आंसर हो जाएगा करेक्ट, रिन्यूअल ऑन गोइंग इंटरप्शन तो होने से रहा। अगला है प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट किसी निर्णय आदि में विलंब करना, देर करना निर्णय लेने में, एक्सपेरिमेंट एक्सपेडाइट एक्सक्लूड या प्रोपोगेट। सो गाइस यहाँ
ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम लोग चलें, पहला ऑप्शन है आपका एक्सपेरिमेंट, जो कि आपको पता ही है। उससे अगला वर्ड है आपका एक्सपेडाइट, तेजी लाना किसी प्रक्रिया में। उसके अगला वर्ड है एक्सक्लूड, यानी कि किसी चीज़ को समय के साथ धीरे धीरे करना और या फिर बाहर निकालना भी। प्रोपोगेट यानी कि किसी चीज़ का प्रोफॉर्मा या प्रचार करना, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अगला आपका पोटेंट, POTENT, पोटेंट यानी कि क्षमता के लिए लगता है गाइस। इन एफिशिएंट, सॉफ्ट, फ्रेगाइल या वीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका वीक करेक्ट। अगला आपका वर्ड है 66 से 70 तक आपको बताने सिनोनिम्स। प्रोग्नोसिस, 66 किसी परिस्थिति आदि का अनुमान लगाना। डायग्नोसिस, फोरकास्ट, प्रीफेस या आइडेंटिटी। तो गाइस यहाँ पे बताना आपको सिनोनिम्स, जो कि हो जाएगा आपका फोरकास्ट, जिसके बारे में पहले से ही बताना आपको। अगला आपका पोच, अवैध रूप से शिकार करना किसी चीज़ का। कैच, हंट, प्रीच या प्लंडर। तो गाइस यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा आपका हंट, शिकार करने के लिए। एक ही वर्ड बड़ा बेहतरीन है यहाँ पे, शिकार करना। प्लंडर मतलब लूटना, कैच माने हंट माने शिकार करना, बाकी तो आपको पता ही है। प्रीच माने उपदेश देना। अगला है रिपार्टी, 66 प्रतिक्रिया देना किसी चीज़ के प्रति, यानी कि किसी चीज़ का उत्तर देना, रिफ्यूज़ मना करना, सेलिब्रेट मनाना, रिस्पॉन्स देना या क्वेश्चंस। तो गाइस इसका आंसर होगा रिस्पॉन्स। अगला वर्ड है एग्जॉर्ट, किसी चीज़ के लिए किसी को प्रेरित करना। तो रिकमेंड, कॉक्स, प्रेशर या पुश, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉक्स। अगला वर्ड है आपका ल्यूरिड, LURID, बहुत ही ज़्यादा विस्मयकारी को चीज़। हैप्पी, अबेंडेंट और ब्राइट या शॉकिंग, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शॉकिंग। 71 से 75 तक आपको बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड है, उसको देखना है खाली और कुछ नहीं है। सो गाइस यहाँ पे देखते हैं 71 से 75 तक सभी वर्ड्स को आप लोग ढंग से देखेगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, वोकैबुलरी थोड़ी सी इजी दी गई है। गाइस मैं इसका कैमरा ऑन कर दूँ, जिससे कि मैं आपको लिख करके दिखा सकूँ शब्दों को। पहला वर्ड है ऑस्किलेट, OSCI। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देर आर फोर डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच वन इज रॉन्गली स्पेल्ड। अच्छा, आपको वो ढूंढना है जो रॉन्गली स्पेल्ड है। मैं वही सोच रहा कि पहला वाला तो सही है यहाँ पे, तो डेलिब्रेट भी सही है। और इन्यूमरेट की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है गाइज, आई कह रहा हूँ ENUMERATE, व्याख्या करना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सीक्रेट। अगला है हर्डल, जो कि ठीक है, लेकिन कडल आपका गलत है, CUDDLE, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अगला वर्ड है कॉम्पोजिशन, जो कि ठीक है, लेकिन ग्रामर की स्पेलिंग तो पक्का गलत पता है बच्चों आपको, आप ग्रामर ही पढ़ रहे हैं मुझसे यहाँ बैठे हुए, इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 74 निमोनिया, जो कि ठीक है, लेकिन डायहरा, डायरिया, तो DIARRHOEA डायरिया की स्पेलिंग आपके यहाँ पर गलत है, इसका आंसर भी हो जाएगा बी करेक्ट। अगला वर्ड है आपका कमीशन, COMMISSION, बिल्कुल ठीक है। ओमिशन भी ठीक है, पोसेशन भी ठीक है। ओकेजन कि स्पेलिंग गाइस यहाँ पे बिल्कुल गलत दिखेगी आपको, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। यहाँ पे 76 से 80 तक दिया गया है एडियम्स, ध्यान से देखिएगा। 76 से 80 यानी कि 5 एडियम्स है सिर्फ, ज़्यादा नहीं है गाइस। मैं सभी एडियम्स की आपको मीनिंग बताऊंगा और आपको मीनिंग के साथ में ऑप्शंस की मीनिंग बताऊंगा, आप उनको देखिएगा और अपने आंसर पहले से ही दिमाग से लगाने की कोशिश कीजिएगा। टू फॉर्म एट वंस माउथ यानी कि बहुत अधिक गुस्सा होना। टू ब्रश प्रॉपरली, ब्रश करना प्रॉपरली, गेट वेरी एंग्री, गुस्सा होना। सेलिब्रेट ऑन सीइंग फूड, मुंह में पानी आना खानों को देख करके, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि बेचैन हो जाना। डिस्गस्टेड, अनकम्फर्टेबल, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। एट द 11th और बिल्कुल अंतिम समय पर, टू लेट, टू अर्ली, इमिजिएटली, एट द लास्ट मोमेंट, इसका आंसर हो जाएगा डी, एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि बिल्कुल अंतिम समय पर। टू बर्न वंस फिंगर, यानी कि आर्थिक रूप से नुकसान होना। टू सफर फाइनेंशियल लॉस, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। टू ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, यानी कि आग को और भड़काना। टू इन्वेस्टिगेट, टू इंसुलेट, टू इनिशिएट, टू इंसाइट। सो गाइज यहाँ पर हो जाएगा आपका टू इंसाइट, यानी कि इस चीज़ को और भड़काना। 80 का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। यहाँ 81 से 94 तक यानी कि 15 आपको दिए गए PQRS, जो कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा फिर पोर्शन यहाँ पे, क्योंकि इसको अधूरा भी नहीं छोड़ सकते और पूरा करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।